हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिताली और आप देख रहे हैं रिवाइव लाइफस्टाइल विद पीएम का एक और वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैटू से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में कि जो आपको टैटू बनवाने से रोक देती है। अगर आप टैटू बनवाने जा रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड टैटू बनवाने जा रहा है तो उसके साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको बता दूं, अगर आप पहली बार टैटू बनवाने जा रहे हैं तो किसी वेल नोन स्टूडियो में ही जाएं, एक एक्सपर्ट से अपना टैटू इंक करवाएं, अपना डिज़ाइन जो है वो मन में सोच के जाएं कि आप क्या बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे मिथ्स को क्रैक करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे ज़रूरी काम है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। विल स्टार्ट विथ मिथ नंबर वन। और मिथ नंबर वन ये कहता है कि जो लाइट कलर्स होते हैं वो डार्क कलर्स से ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि इसका मैं कारण बता दूँ, क्योंकि वो आपके एकदम डिज़ाइन के बीचों बीच भरा जाता है। थोड़ा सा सेंसेशन होता है जैसे चीटी काटती हो, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता। मिथ नंबर टू से इसकी टैटूज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। नॉट एट ऑल। 1500 से स्टार्ट होता है कोई भी टैटू, और टैटू जो होता है वो इंचेस के हिसाब से होता है। सो जितना बड़ा टैटू उतना ज़्यादा प्राइस। मिथ नंबर थ्री कि एक ही निडिल से काम हो जाता है। नहीं भाई, आपका जो निडिल है कम से कम तीन निडिल लगती हैं उसमें। कोई भी जो एक्सपीरियंस टैटू पर्सन होगा, आर्टिस्ट होगा, वो तीन निडिल यूज़ करेगा। जैसे कि मोटी निडिल से आपका बैकग्राउंड बनाएगा, वो आपके टैटू का डिज़ाइन का, देन फिल करने के लिए दूसरा यूज़ करेगा, देन कलर करने के लिए दूसरा यूज़ करेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी और की निडिल वो आपके में यूज़ ना करे। हियर कम्स समिट नंबर फोर। और ये कहता है कि टैटू नेम्स जो होते हैं बैड लक होता है अगर आप इंक करवा लेते हो। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अपने ऊपर मानने पे है। अगर आप ये चीज़ों को मानते हो तो वो वर्क करती हैं, अगर नहीं मानते हो तो ये सब वर्क नहीं करता है। नंबर फाइव पे है दैट इट ब्लीड्स अ लॉट। अगर आप कोई भी चीज़ सुई जैसी चुबा रहे हो अपने शरीर में तो थोड़ा सा तो वो दुखता है, बट नथिंग लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा दुखेगा। तो दिस इज़ नॉट ट्रू कि बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। नाउ कम्स द मिथ नंबर सिक्स की जिसको ड्राइंग आती है वो टैटू बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी से टैटू नहीं बनवाना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही आपको टैटू बनवाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला गया था मेरे टैटू का पहले, तो इस तरह से पहले एक प्रिंट आउट निकालते हैं। उसके बाद आपके हाथ पे भी एक मार्कर से ये डिज़ाइन बनाई जाती है एंड आपको दिखाई जाती है, कंफर्म कराई जाती है कि इसी एंगल में आपको चाहिए। पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही वो फाइनल करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथ नंबर सेवन की टैटूज आर फॉर फॉरएवर। नहीं भाई, आजकल सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सब कुछ मिट सकता है। तो सर्जरी होती है जिसमें थोड़ा खर्चा जो होता है थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपये में आपका जो टैटू है उस सर्जरी के द्वारा निकाल भी दिया जाता है, तो दे आर नॉट परमानेंट एनीमोर। मिथ नंबर एट सेज कि टैटूज आर फॉर टफ पीपल। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या होता था कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहते थे उनको मना करा जाता था कि कोई भी सुई जैसी चीज़ अपने शरीर में ना चुभाएं, लेकिन आजकल सब थोड़े स्ट्रांग हैं और आजकल के तो यंग स्टूडेंट्स और सभी लोग एज के बनवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 21 साल से ऊपर हैं तो टैटू बनवा सकते हैं। टैटू बनने के बाद में आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। पहले दूसरे और तीसरे दिन तक आपको A+D ओरिजिनल ऑइंटमेंट वो लोग देते हैं, वो आप लगा सकते हैं, वो लोग खुद देंगे आपको। उसके बाद ये वैक्स क्रीम जो है वो आपको मिलती है मार्केट में, वही आप खरीद के लगा सकते हैं। स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि टैटू अगर बनवाएं तो अपने से जुड़ा हुआ कुछ सिंबल बनवाएं, जिससे कि आपको रहेगा कि ये आप, जैसे कि मैं शिव जी की भक्त हूँ तो मैंने ओम लिखवाया है। ऐसे ही नहीं खुद के चल दिए और बस बनवा लिया कुछ भी, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.